जो भी 144 की धारा के अंतर्गत जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया गया है नहीं मानता है तो 188 आईपीसी के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 269, 270 एंड 271 आईपीसी में प्रावधान है कि जिनको क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाता है या डॉक्टर के तरफ से जो निर्देश होता है वो नहीं मानते हैं तो इन आईपीसी सेक्शंस में उनके खिलाफ कार्रवाई ली जा सकती है। सर, राजधानी की जगह पर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग हो, जामिया हो या फिर जाफराबाद हो, उन्हें आज दिल्ली पुलिस ने खाली करवा दिया गया। क्या एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से इन प्रोटेस्ट साइट पे? आज चूंकि 144 धारा के अंतर्गत हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया है तो जाहिर है कि ये प्रोटेस्ट साइट भी वॉयलेशन कर रहे हैं तो उनको हटा दिया गया है। और हमें ये कहकर बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं हुआ, वे लोग वहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ जगहों पे थोड़ी परेशानी हुई थी, कुछ हमने अरेस्ट डिटेंशन भी किया है, लेकिन मैं सभी को बधाई देता हूँ कि कम्युनल हार्मनी के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं।